वेलकम टू निया इमेजिनेशन फ्रेंड्स। ये मैंने लॉन्ग ड्रेस है पूरी पैरों तक, इसको थोड़ा छोटा करना है। ये ऊपर की चोली है, इसके साथ लगी हुई थी, इसे उधेड़ा गया है। उधेड़ा इसको, ये इसको उधेड़ा है, उधेड़ लिया है। और मुझे सिर्फ लेंथ कम करनी है। मैंने नीचे से बॉर्डर नहीं काटा, मैं ऊपर से छोटा करूंगी, क्योंकि बॉर्डर से जब काफी अच्छा है, खुला खुला अच्छा लगता है। ऊपर से कटिंग कर रहे हैं हम लोग। जब भी हमें लॉन्ग ड्रेस को छोटा करना है, कभी साइडों से नहीं नापना। साइडों से नापने में वो लेंथ हमारी सही नहीं आएगी। हमेशा सेंटर ले लेंगे, ये जुड़ा हुआ सेंटर फोल्ड कर लिया मैंने, सेंटर से नापेंगे। अरे मुझे सेंटर से 26 चाहिए तैयार, और 1 इंच में ऊपर रखूंगी सिलाई के लिए। तो मैं यहाँ से नापती हूँ, इधर से, ये फोल्डिंग नहीं नापूंगी। यहाँ मुझे 26 तैयार चाहिए और 1 इंच में रखूंगी सिलाई के लिए। तो ये मैंने सेंटर से नापा फ्रेंड्स, मैंने कॉर्नर से बिल्कुल भी नहीं नापा। अगर मैं कॉर्नर से नापूंगी तो बिल्कुल भी ये ड्रेस सही नहीं आएगी, क्योंकि कॉर्नर हमेशा लटके हुए होते हैं। तो कॉर्नर से काटूंगी तो सारा ही यहाँ से छोटा हो जाएगा, सेंटर से उठा उठा हो जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स हमेशा इसको सेंटर से ही नाप के काट छोटा करें। तो ये मैंने 27 निशान लगा लिया, 27 पे कट लगा लेती हूँ मैं इस तरह से। 1 इंच मैंने सिलाई कर रख लिया। अब मैं 27 से इसको कटिंग कर दूंगी सेंटर से। ये लो फ्रेंड्स, इधर ले आती हूँ। ये सीधा सीधा मैं काटूंगी, कोई टेढ़ा मेढ़ा लेके नहीं जाने वाली। इसी वजह से मैंने इधर से कटिंग कर दी। ये मेरा घेर अच्छा से आ गया सेंटर में। अब इसमें क्या होगा, ये जो सेंटर पोर्शन है ये बढ़ गया, चोली से ज्यादा बड़ा हो गया। मैं आपको दिखाती हूँ, ये चोली से ज्यादा बड़ा हो गया। और जितना चोली से ज्यादा बड़ा हो गया, ये इसको काटेंगे नहीं, सिलाई में नहीं देंगे। सिलाई तो हम मुझे कॉर्नर से ही करेंगे और इधर कॉर्नर से ही जोड़ेंगे। तो सेंटर में बढ़ गया, यहाँ पे हम चुन्नर डाल लेंगे इस तरह से। सेंटर पे हम चुन्नर डाल के देख लेंगे हमें कितना चाहिए। तो मैं आपको सेंटर से चुन्नर डाल के दिखाती हूँ फ्रेंड्स। ये मेरे पास ऊपर की चोली है, अगर आपके पास इंची टेप नहीं है तब भी आप इसको इजी से नाप सकते हो। और ये नीचे का जो मैंने काटा था ऊपर वाली साइड, वो है। ये चोली को मैं यहाँ रखूंगी इस तरह से कॉर्नर पे, सिलाई वाला जगह छोड़ देंगे हम ऐसे। ये झटका हिसाब है, हमें इंची टेप हमारे पास नहीं है तो हमें किस तरह से नापना है। इस तरह से चोली को ऊपर रख दिया मैंने, चोली को ऊपर रख के ये पता चल गया कि इतना एक्स्ट्रा है हमारे पास, ये कपड़ा इतना एक्स्ट्रा है। हम सिर्फ इतने ही कपड़े पे चुन्नर डालेंगे। दोनों साइडों को मैं पकड़ लेती हूँ फ्रेंड। मेरे पास इतना ये चुन्नर डालने के लिए बचा, क्योंकि मैंने सारा नाप लिया सेंटर से। इसको पकड़ के हम चुन्नर डाले हिस्से को इधर पिन स्टार्ट कर लेते हैं। इसे चुनर डाल लेंगे हम पिन से, आप चाहे तो सुई धागे से डाल सकते हैं। ये मेरा इतना कपड़ा चुनट में जाएगा, इतना ही मैं पीछे से भी कर लेती हूँ। इतने में पीछे से भी चुनर डाल लेते पिन के साथ ही, के ऊपर मैं चोली रख के देख लूंगी। ये देखो फ्रेंड्स, मेरी चोली बिल्कुल अच्छे से तैयार है, पूरी आ रही है, दिखाई दे रही है फ्रेंड्स। ये दोनों साइड्स मैंने पकड़ लिए, सीधी साइड के साथ सीधी साइड लगाएंगे और ये कॉर्नर से कॉर्नर मिला लेंगे। तो ये जो फ्रेंड्स नीचे वाली है ना, इसकी गलत साइड हमारी तरफ है, बाहर है, और जो चोली है उसकी सही साइड की तरफ ले आएंगे। ये अब सही साइड की तरफ ले आए हैं, ये इसके अंदर डाल देंगे, इसके अंदर डाल देंगे और इस तरह से पकड़ लेंगे। इसका कॉर्नर पकड़ लेंगे इस तरह से, और इस नीचे वाली चोली का कॉर्नर पकड़ लेंगे। दोनों को ऐसे मिलाएंगे और सिलाई कर लेंगे इस तरह से।
इस तरह से हम सिलाई करते हैं। इसको मैंने पूरा नहीं जोड़ा, इसको साइड से इतना जोड़ लिया, सेंटर में जो चुनर डाली थी अभी इसको छोड़ दिया मैंने, ये सेंटर में मैंने पिन लगाई थी ना यहाँ से, इसको छोड़ दिया, ये वाला पिन वाला हिस्सा, ये पिन लगाई थी मैंने आपके सामने, इस पिन वाले हिस्से को मैंने छोड़ दिया, ये साइड पे लगाई है मैंने सिलाई, और इस साइड से भी लगा लेंगे, सेंटर वाला बाद में सिलेंगे ताकि कितनी चुनर डाली पता चल जाए, इसको भी साइड पे ले देंगे, पहले दोनों साइड सिल लेंगे, ये साइड में इस साइड पे लगाती इस तरह से कॉर्नर को कॉर्नर से जोड़ लेंगे और इस साइड से सिलाई लगाएंगे। सेंटर का हिस्सा हम बाद में सिलेंगे, कॉर्नर सिल लेते हैं, हम कॉर्नर सिल लें, ये चोली के सेंटर पार्ट पे भी मैंने निशान लगा लिया, आप देख सकते हैं ये सेंटर पार्ट इसका ले लिया, ये नीचे वाला सेंटर पार्ट ये लगाया, अब इस सेंटर पार्ट को लेकर मैं इतने एक ना कपड़ा मेरे पास एक्स्ट्रा है, इसके ऊपर मैं चुनर डाल लेती हूँ, सुई धागे से ऐसे कच्चा कर लेते हैं और फिर उसको खींच देते हैं तो चुनर डाल देते हैं, ऐसा कर ले, ये धागा ये बाद में निकालना ही होता, ये सेंटर आ गया, ये मैंने थाली स्तर से निकाल लिया है, बड़ा बड़ा कच्चा कर लिया है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने निशान लगाया था, ये ब्लैक वाला निशान है जहाँ पे सारी चुनर चाहिए, और इधर से लेकर मैं सीधे सीधा आ गई हूँ, और यहाँ पे थोड़ा सा लूज कर दिया कि किस तरीके से कितने कितने चुनर चाहिए, इतने चाहिए सही है, तो फिर इसको इसके ऊपर रख देंगे, ये नीचे वाला कपड़े का मैंने चुनर बना ली, कितनी चौड़ी चुनर चाहिए या कितनी सी चाहिए, इतनी बहुत है चुनर, अब इसके ऊपर मैं स्टिच कर रही हूँ, बीचों बीच चुनट को ले आएंगे, और यहाँ से मुझे साइड पर चुनट नहीं चाहिए तो सारी के सारी चुनट को आगे कर दूंगी, कर दिया, अब यहाँ से स्ट्रेट स्टिच कंटिन्यू, सारा एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे और इसको स्टिच कंटिन्यू करते हैं, बस हमारा ये प्रॉपर लग गया है, ऐसे ही दोनों साइड पे पूरा लगाना है, बहुत ही प्यारा सा ड्रेस रेडी हो चुका है, और बीच में से हमने क्या लगाई थी चुन्नटे, और वहां से चुन्नट लग गई है, और इसकी लेंथ भी कम हो गई है, ये लेंथ पूरी फुल साइज था और हमें थोड़ा सा कम चाहिए था तो इसलिए हमने इसकी लेंथ को कम कर दिया है। अब सबसे बड़ी बात होती है कि जो घेरा है, घेरा ऑलरेडी बहुत अच्छा और बड़ा था, अगर हम इसको घेरे से कट करते तो फिर इसकी जो चौड़ाई है वो कम हो जाती, हमें वो कम नहीं करी थी, घेरा ज्यादा ही अच्छा लगता है, इसलिए हमने क्या किया इसको बीच में से उधेड़ा, क्योंकि ये रेडीमेड है, और बीच में से उधेड़ के इसको चुन्नट डाल दी, जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है उतना काट के चुन्नट डाल दी बीच में सेंटर में, और इस तरीके से इसको स्टिच किया, चोली से कट किया था, नीचे से कभी भी घेरे को कम मत कीजिए क्योंकि वो घेरा ज्यादा ही अच्छा लगता है, ठीक है। तो अभी ये फ्रॉक स्टाइल बहुत ही प्यारा लग रहा है, ऐसे ही आप बनाइए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा वीडियो को कि आपको कैसा लग रहा है, ये बहुत ही प्यारा सा ड्रेस हमारा हमारे साइज के अकॉर्डिंग बन चुका है, अगर आपको ये कभी भी लूज हो तो अभी आप चुन्नट डालिए, उससे अलग ही रोब आ जाता है, ऊपर चोली में भी डाल सकते हो, हमने अभी यहाँ पर नीचे इस पे डाला है लोअर पार्ट में क्योंकि यहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट थी, और साइड से आप टाइट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम। हो चुका है ड्रेस, ये रेडी है और मुझे बहुत ही प्यारी लग रही है, ये आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है, पहले ये ज्यादा लंबी थी और अब देख सकते हैं कि अभी ज्यादा अच्छी लग रही है,
सो पीछे से अगर हम देखेंगे, देखो यहाँ पर जो चुन्नट हमने डाली है ये सिर्फ सेंटर सेंटर में आई है, बैक साइड पे भी इसी तरीके से सेंटर सेंटर पे आई है और ये अच्छी लग रही है। सो आप भी इसी तरीके से ड्रेस को अपने साइज का बना सकते हैं, जब भी लूज हो तो ऐसे चुन्नट डाल सकते हैं। थैंक यू।